हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपकी अपनी फैमिली में, और आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम से स्वस्थ होंगे। तो जो भी लोग अभी चैनल पर नए जुड़े हो, उनको मैं पहले ही बता देता हूँ कि हम RRB PO और क्लर्क के लिए हिंदी और कंप्यूटर की डेडिकेटेडली क्लासेस इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, और साथ ही क्वांट और रीजनिंग के कुछ बेहतरीन सेशन लेके आते हैं, जिससे कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है एग्ज़ाम के अंदर वो काफ़ी अच्छे तरीके से रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और साथ ही सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी है। तो वहाँ से जाके आप हिंदी और कंप्यूटर का मेन रूप से हमारा जो कंटेंट है वो चेक कर सकते हो, क्योंकि हमारी जो स्पेशलिटी है चैनल की वो इन्हीं दो सब्जेक्ट पर है, और बाकी रीजनिंग और क्वांट भी हम आपको बहुत ही बेहतरीन प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए आज के हम सेशन को शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने अपना 1200 क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट की थी, बोर्ड सीरीज स्टार्ट की थी, उसी को हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। बीच में हमने थ्योरी की क्लासेस ली थी, उस पर रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, तो हम दोबारा से स्विच कर रहे हैं 1200 क्वेश्चन सीरीज के ऊपर, और आपका हम सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। उसका आप कोई भी मन में ऐसा ना रखिए कि सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सिलेबस आपका हम इन क्वेश्चंस के थ्रू कराएंगे, क्योंकि आप लोग MCQs पर ज़्यादा फोकस रहते हो। अगर थ्योरी की क्लासेस ली जाए तो आपको वो थोड़ा बोरिंग करती हैं, ऐसा हमें लगा। तो हम आपके लिए फिर से 1200 क्वेश्चंस के लिए अपनी सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। लगभग हम 200 से ऊपर क्वेश्चंस को कवर भी कर चुके हैं, और एग्ज़ाम तक 1200 क्वेश्चंस तो केवल लिखा हुआ है, हमें ऐसा लगता है कि हम आपको 2000 क्वेश्चंस करा देंगे, और एक चैप्टर से ही हम आपके लगभग 200 से 250 MCQs हम आपको कराएंगे। 200 टू 250 MCQs हर एक चैप्टर से आपको मिल जाएंगे, तो आपके एग्जाम में कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आपको लगेगी। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। हिंदी वाले परेशान मत होइए, क्योंकि आपको भी आदत डालनी पड़ेगी इसी तरह से कंप्यूटर में एटलीस्ट, कि आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करें, क्योंकि वहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो बाइलिंगुअल रहेंगे, आपको स्क्रीन पर एक साथ दोनों लैंग्वेज दिखाई देंगे, लेकिन हिंदी वहाँ पे कंप्यूटर की इतनी टफ हो जाती है कि वहाँ पे जो शब्दावली है कंप्यूटर्स की हिंदी के अंदर वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, वो आपकी समझ में भी नहीं आएगी। और नॉर्मली जो हम बोलचाल की भाषा में कंप्यूटर के शब्दों को यूज़ करते हैं वो आप इजिली इंग्लिश वाले ही समझ पाते हो, तो एटलीस्ट कंप्यूटर के लिए आप इंग्लिश की ही आदत डालो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला जो है वो एक्चुअल में साथ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस तरह से हमारा क्रम है उसी तरह से चलाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या लिखा है। इन द लेयर हायरार्की एज द डेटा पैकेट मूव्स फ्रॉम द अपर टू द लोअर लेयर्स हेडर्स आर। एक लेयर हायरार्की के अंदर जो डेटा पैकेट्स होते हैं, जब वो अपर लेयर से नीचे वाली लेयर में जाते हैं, तो जो हेडर्स होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्हें हम जोड़ते हैं, यानी कि एडिड होगा। ठीक है, ये आपका मैं एक सेपरेट सेशन लेके आऊँगा, जहाँ पे मैं आपको पूरा ये सेशन कंप्लीट कराऊँगा, जिसमें आपका TCP/IP मॉडल्स रहेंगे और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहेंगे, इनके लिए मैं एक पूरा एक सेशन लेके आऊँगा। लेकिन आपके लिए MCQs लेकर आएँ, तो MCQs आप एज इट इज़ कर लीजिए, क्योंकि जहाँ भी चीज़ें बहुत ज़्यादा समझाने की होंगी तो वहाँ मैं आपको समझाऊँगा। और ये वाला जो सेशन है TCP/IP मॉडल का, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको केवल और केवल रटने पड़ेंगे, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अ डैश इज द फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल्स। मैसेज जब भी ट्रेवल करता है तो उसके लिए एक फिजिकल पाथ कौन सा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। जब भी मैसेज ट्रेवल करता है तो उसके लिए फिजिकल पाथ क्या होता है, सिंपल सा है, मीडियम होता है। अ मीडियम इज द फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल्स। मीडियम ही तो होता है एक मैसेज के लिए, जहाँ पे वो जो मैसेज आपका वो ट्रेवल करता है, समझ रहे हैं। अ मीडियम इज द फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल्स। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि मैसेज जहाँ पे ट्रेवल करता है उसके लिए फिजिकल पाथ जो होता है वो एक मीडियम फिजिकल पाथ की तरह काम करता है, जहाँ पे भी मैसेज ट्रेवल करता है, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं। अगला देखो, कम्युनिकेशन बिटवीन वॉकीज टॉकीज इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन। ये आपको बिल्कुल ही याद होगा, ये मैंने पिछले सेशन में ही आपको कराया था कि वॉकी टॉकीज आपके कौन से टाइप के ट्रांसमिशन पर काम करते हैं, बताइए। जिन्होंने भी वो सेशन लिया उन्होंने बहुत आसानी से टिक किया होगा, हाफ डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स क्या होता है,
तो देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, सिंप्लेक्स आपका क्या होगा कि आपका एक ही साइड से मैसेज जाएगा। अगर आपके दो एंड हैं, दो नोड्स हैं, अगर आपके नोड्स कहने का मतलब हो गया कि दो लोगों के सिस्टम, तो सिंप्लेक्स में क्या होगा केवल एक ही साइड से आप मैसेज सेंड कर सकते हो, दूसरी साइड से आपको कुछ भी मैसेज रिसीवर, मतलब अगर आपने इस नोड से मैसेज कर रहे हो तो केवल इसी नोड से आप मैसेज कर पाओगे दूसरे नोड पे। ये वाला जो नोड है वो इस नोड को मैसेज नहीं कर पाएगा, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन ये होता है। ठीक है, सिंपल सा। जैसे कि बताइए, अगर आप कोई एग्जांपल आपके दिमाग में जा रहा हो बताइए। तो जो आपके घर पे ब्रॉडकास्टिंग चलती है ना, जो आपके दूरदर्शन के चैनल आते हैं, जो जो भी टीवी पर आपके चैनल्स आते हैं, उसमें क्या होता है केवल और केवल एक तरफ से सर्वर से आपकी तरफ क्या आता है, मैसेज आते हैं, तब आप मैसेज क्या सिग्नल्स आते हैं, तो वो सिग्नल्स आप केवल रिसीव कर सकते हो, अपनी साइड से आप कोई सिग्नल वगैरह नहीं भेज सकते। ठीक है, फिर आती है बात जब हाफ डुप्लेक्स की। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा कि दो नोड्स हैं आपके, एक नोड्स ये है और एक नोड्स ये है, यहाँ पे पहला नोड दूसरे नोड को कोई मैसेज भेज सकता है और दूसरा नोड भी पहले नोड को मैसेज भेज सकता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सर इतना सा है कि जब पहला नोड दूसरे नोड को मैसेज भेज रहा होगा, ठीक उसी समय पर जो आपका ये दूसरा वाला नोड है वो पहले वाले को मैसेज नहीं भेज पाएगा, यानी कि ट्रांसमिशन केवल वन साइडेड होगा एट अ टाइम। कि ट्रांसमिशन अगर एक नोड से शुरू हो गया है तो दूसरा नोड जो उस सिग्नल को रिसीव कर रहा होगा उस टाइम पर वो अपनी तरफ से कोई सिग्नल सेंड नहीं कर पाएगा। जैसे कि आपके वॉकी टॉकीज होते हैं, आपने देखा भी होगा पुलिस वाले जब वो बोलते हैं कि अपना, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला फिर वो बोलते हैं ओवर, तो इससे ये पता लग जाता है कि अब ये वॉकी टॉकी का ये वाला सिस्टम फ्री है, अब अपनी साइड से कोई मैसेज भेज सकता है। इवन आपके व्हाट्सअप मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज मान लीजिए आपका पहला फ़ोन है, ये आपका दूसरा फ़ोन है, तो आप कभी भी देखना आपके मैसेज दोनों बिल्कुल एक ही साथ नहीं आ सकते, कभी उनमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम होगा लेकिन एक साथ दोनों मैसेज नहीं आएंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। लेकिन फुल डुप्लेक्स क्या होगा कि पहला आपका जो नोड है वो दूसरे नोड को मैसेज भेज सकता है, दूसरा नोड भी पहले नोड को मैसेज भेज सकता है, और साथ ही ये दोनों अपनी साइड से जो सिग्नल्स हैं या जो मैसेजेस हैं वो सेम टाइम पर भेज सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए वीडियो कॉलिंग आपकी हो गई, दोनों साइड से आप लोग बातचीत कर पाते हो, आपकी जो फ़ोन कॉल्स हो गई वो भी हो जाएगा, क्योंकि फ़ोन कॉल्स में क्या होता है एक व्यक्ति इधर से बोल रहा है, सामने वाला भी उसी समय पर ठीक बोल सकता है और आपको वो भी सुनाई देगा। तो समझ गए होगे, तो वॉकी टॉकीज के अंदर हमारा कौन सा टाइप का ट्रांसमिशन होता है, हाफ डुप्लेक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेंट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल, पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल किसने भेजा, ये इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, सबको याद हो गया होगा, रे टॉमिलसन। स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा ऐसे ही। फिर देखो, द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड, किसी भी डेटा का स्ट्रक्चर या फॉर्मेट क्या कहलाता है, द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा क्या कहलाता है, डेटा का कोई भी स्ट्रक्चर या फॉर्मेट होगा उसको हम लोग कहेंगे सिंटैक्स, डेटा का कोई भी स्ट्रक्चर या फॉर्मेट होगा उसको हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स, एक कीबोर्ड और एक कंप्यूटर के बीच में किस तरह का ट्रांसमिशन टाइप होता है, बताइए बताइए। बिल्कुल सिंपल है, आप केवल कीबोर्ड से ही तो कंप्यूटर के पास सिग्नल्स भेज सकते हो, जब भी आप कोई की दबाओगे तो कीबोर्ड की तरफ से कंप्यूटर के पास तो आपका मैसेज या फिर आपका सिग्नल जा रहा है, लेकिन क्या कभी कोई कंप्यूटर कीबोर्ड पे कोई मैसेज भेज सकता है, क्या नहीं भेज सकता, यानी कि कौन सा टाइप हो जाएगा, सिंप्लेक्स हो जाएगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगली स्लाइड को देखिए। द नंबर ऑफ लेयर्स, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, अब आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा कि द नंबर ऑफ लेयर्स इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल, ये बताना है आपको कि नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होती हैं, नंबर ऑफ लेयर्स ISO या OSI जो आपका मॉडल होता है, OSI मॉडल नॉर्मली बोलते हैं, TCP मॉडल होता है, एक OSI मॉडल होता है, उसमें आपकी जो लेयर्स होती हैं वो कितनी होती हैं, वो सात होती हैं। अभी आप इसको याद कर लीजिए कि ये जो लेयर्स होती हैं वो सात होती हैं, हम इसका जब आपके लिए सामने सेशन लेके आएंगे तब हम सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है, और ये जो सेशन्स हैं वो हम लाइव लेकर आएंगे,
जो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है वो हम लाइव लेकर आएंगे, जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं वो हम तभी के तभी क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तब तक हम बिल्कुल MCQs की क्लास चलाएंगे। और आपके लिए हम पहले ही बता देते हैं कि आपकी लगभग 20 से 25 MCQs हम डेली अब प्रोवाइड कराएंगे आपको, यानी कि आने वाले एग्जाम में जब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा तब तक लगभग अभी 75 या 70 डेज है, हम आपके कंप्लीट 1200 क्वेश्चंस कंप्लीट करा देंगे। 200 हम पहले से करा चुके हैं, 1000 और कराने वो हम कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद हम एक और सीरीज शुरू करेंगे जहाँ पे हम दोबारा से नए क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे और वो सारे क्वेश्चन कराएंगे जो आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। इवन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे हम वो भी आपको कराएंगे। अभी हम आपको वो क्वेश्चंस करा रहे हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं या फिर आपकी जो भी थ्योरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो। अगला क्वेश्चन आप जब देखते हैं तो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एडिशन टू OSI मॉडल व्हेन कंपेयर टू TCP/IP मॉडल। जब हम TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल की कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो कौन सी ऐसी लेयर है जो हमें एडिशनल मिलती है। TCP मॉडल और OSI मॉडल की तुलना करते हैं तो OSI मॉडल में हमें कौन सी ऐसी लेयर है जो TCP मॉडल में नहीं मिलती किंतु OSI मॉडल में एक्स्ट्रा मिलती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद कर लो, सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर, ये दो ऐसी लेयर हैं कि जो आपके OSI मॉडल में तो होती हैं लेकिन ये TCP/IP मॉडल में आपको देखने के लिए नहीं मिलती हैं। ठीक है, यानी कि TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर्स हो जाएंगी, फिर 5 लेयर्स हो जाएंगी क्योंकि दो लेयर्स यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती हैं। फिर अगला देखो, ब्लूटूथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स। जो आपका ब्लूटूथ है वो किस तरह के नेटवर्क का एक उदाहरण है, जिन्होंने भी मेरे सेशंस लिए वो हाल बता देंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला देखो, व्हाट इज अ फायरवॉल इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। एक फायरवॉल कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कराई हुई हैं। देखो, थ्योरी की क्लास अगर लेते हो तो उसमें यही फ़ायदा होता है आपको, लेकिन थ्योरी की क्लास में आपके जो रिस्पॉन्स है वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते देखने के लिए। ना तो वहाँ पे कोई लाइक आता है, ना ही उसमें आप लोग कोई इंटरेस्ट शो करते हो। अगर एक एक वीडियो पे मेरे पे नॉर्मली हिंदी में अभी 200 व्यूज़ आराम से क्रॉस हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में 68-67, इतने लोगों के लिए तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ ना। और मैं सारा कुछ अगर फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ तो बदले में आपसे रिस्पॉन्स चाहता हूँ। तो अब आप देख लीजिए, व्हाट इज़ अ फायरवॉल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर फायरवॉल क्या है बताइए। ये क्या होता है फायरवॉल, आपका क्या होता है कि जब भी आप नेट पर सर्फिंग करते हैं तो एक कोई भी आपको अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके कंप्यूटर में एंटर ना हो जाए। वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ कि अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि कोई बाहर का व्यक्ति आपके सिस्टम में ताक झांक न कर सके, उससे बचने के लिए आप एक फायरवॉल का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अ सिस्टम डिज़ाइंड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। एक सिस्टम होता है जो डिज़ाइन किया जाता है बचाव के लिए, किससे, अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर चल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज अ कॉमन मीडियम यूज्ड फॉर थीव्स टू स्टील अदर्स आइडेंटिटीज। किसी भी दूसरे व्यक्ति की आइडेंटिटी को चुराने के लिए चोर कॉमन मीडियम ऐसा कौन सा है जो वो यूज़ करते हैं बताइए। टेलीफोन करते हैं, पिक पॉकेटिंग करते हैं, पिक पॉकेटिंग का मतलब क्या होता है, जेब काटना, बर्गलरी करते हैं, ईमेल करते हैं, क्या करते हैं। आप देखते भी होंगे कि आपके ईमेल पे बहुत सी चीज़ आती रहती हैं बेमतलब की, तो वहाँ पे अगर आप उन ईमेल पे वो लोग कई सारी लिंक्स भेजते हैं तो जब आप उन लिंक पे टच करते हो तो आपका पूरे सिस्टम की जो जानकारी है वो उस व्यक्ति के पास कभी कभी पहुँच जाती है जो उस जानकारी को चुराना चाहता है। तो नॉर्मली अभी के ज़माने में जो कॉमनली यूज्ड आपका तरीका है वो ईमेल के जरिए लोग दूसरों की आइडेंटिटी को चुरा लेते हैं। अगला देखो कि व्हाट टाइप ऑफ वेब टेक्नोलॉजी क्रिएट्स एन ऑनलाइन कम्युनिटी वेयर पीपल कैन मेक स्टेटमेंट एंड अदर कैन रीड एंड रिस्पॉन्ड टू दोज स्टेटमेंट। एक वेब टेक्नोलॉजी है जो बनाई गई है, क्यों बनाई गई, ऑनलाइन कम्युनिटी के लिए बनाई गई है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी बातों को लिखते हैं और जो अन्य लोग हैं वो उसे पढ़ सकते हैं और उसका रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा लिखा है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है बताइए बताइए। बहुत से लोग इसमें जुड़े भी होंगे, ब्लॉग लिखे जाते हैं ना, आपने सुना भी होगा कि बहुत से लोग हैं जो ब्लॉग लिखते हैं, तो ऑनलाइन ब्लॉग लिखते हैं, वहाँ पे पीपल स्टेटमेंट लिखते हैं, मेक स्टेटमेंट्स, अपने अपने विचारों को लिखते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं।
ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अगला देखो, द फर्स्ट नेटवर्क वॉज कॉल्ड, जो आपका पहला नेटवर्क था उसे क्या कहा गया, इसको रट लेना, आर्पा नेट कहा गया। ठीक है, आर्पा नेट कहा गया पहले आपके नेटवर्क को। अगला देखो, थ्री और मोर डिवाइसेस शेयर अ लिंक इन विच कनेक्शन, अगर आपकी तीन या उससे ज़्यादा डिवाइसेस हैं और वो किसी एक लिंक को शेयर करती हैं तो वो किस कनेक्शन से जुड़ी होंगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए बताइए बताइए, डिवाइसेस कितनी है, दो तो नहीं है, अगर दो होती तो पॉइंट टू पॉइंट हो जाता। सिंप्लेक्स में क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, यूनिपॉइंट का मतलब एक ही पॉइंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिवाइसेस कितनी है, अगर लिंक शेयर हो रही है दो से तीन या तीन से ज़्यादा, यानी कि मल्टी पॉइंट। ठीक है, बहुत ईजिली चीज़ों को आप कर पाएंगे अगर आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, और जिस तरह से मैं चीज़ों को बताता हूँ जितनी आसानी के साथ, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा चीज़ों को समझने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अभी आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। चलिए, टू डिवाइसेस आर इन अ नेटवर्क इफ़, दो डिवाइसेस आपकी नेटवर्क में कही जाएंगी यदि, वे क्या काम कर रही होंगी, तब आप ये कह सकते हो कि वो डिवाइसेस जो हैं वो नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, वो एक नेटवर्क का निर्माण कर रही हैं। बताइए, सबसे पहले अगर आप डी देखते हो तो इसमें आपसे कहा जा रहा है अ प्रोसेस इज एक्टिव एंड अनदर इज इनएक्टिव, यानी कि दो डिवाइसेज हैं उनमें से एक एक्टिव हो एक इनएक्टिव हो, तो क्या आप कह दोगे कि वो लोग नेटवर्क बना रहे हैं? नहीं सर, हम नहीं कह पाएंगे, डी ऑप्शन तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक, बी आपने देखा अ प्रोसेस इज रनिंग ऑन बोथ डिवाइसेज, दोनों ही डिवाइसेज पर प्रोसेस रन हो रहा हो, भाई दोनों पे अलग अलग भी तो प्रोसेस रन हो सकता है, ऐसा तो नहीं कहा गया कि दोनों पे प्रोसेस रन हो रहा हो और दोनों एक दूसरे पे निर्भर कर रहे हो, ऐसा नहीं कहा गया। फिर आपका देखो सी में क्या कहा जा रहा है, पी आई डीज ऑफ द प्रोसेस रनिंग ऑफ डिफरेंट डिवाइसेज आर सेम, कि जो आपका पी आई डी है वो प्रोसेस जो आपका रन कर रहा है दोनों डिवाइसेज पे वो सेम हो, ऐसा भी नहीं होता। तो फिर आपकी जो नेटवर्क की परिभाषा होती है वो क्या होती है, अ प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद अ प्रोसेस इन अनदर डिवाइस, यानी कि एक डिवाइस आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन की प्रोसेस कर रही हो और किस में कर रही हो, दूसरी डिवाइस में, तभी तो आप कह पाओगे कि ये नेटवर्किंग में हो रहा है, यानी कि आप उसे अपने डेटा को भेज पा रहे हो, तभी तो आप कहोगे कि हाँ मैं नेटवर्किंग में हूँ। तो आपका जो आंसर है वो क्या टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं, ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये दोबारा से आ गया है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला देखो, अ डिवाइस इज अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट्स, इनमें से ऐसी कौन सी एक डिवाइस है जो फॉरवर्ड करती है किसको, पैकेट्स को, बिटवीन नेटवर्क्स, नेटवर्क के बीच में, बाई प्रोसेसिंग द राउटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। अब आपको बताना है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, अभी आपको ये चीज़ें सही से देखनी चाहिए। हाँ एक सेकंड, अभी आपको अभी आपको सही दिख रहा होगा। चलिए पढ़िए, विच इज़ अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स बाई प्रोसेसिंग द राउटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। बताइए, इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो क्या फॉरवर्ड करती है, पैकेट्स को फॉरवर्ड करती है नेटवर्क के बीच में, बाई प्रोसेसिंग, किसके द्वारा, प्रोसेसिंग के द्वारा, और ये जो प्रोसेसिंग है वो किसके द्वारा हो रही होती है, राउट, उस प्रोसेसिंग में होता क्या है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन होती है जो पैकेट के अंदर इंक्लूडेड होती है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको देखने के मिलेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप उसमें तुक्का मत मारना, अगर आपको आता है तो टिक करना, अदरवाइज आप टिक मत करना। पर यहाँ पे आपके लिए एक कीवर्ड क्या है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन अगर उसमें इंक्लूडेड है, कौन सी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड है, राउटिंग, तो हमारा जो डिवाइसेस है वो क्या होगा, राउटर होगा। ठीक है, कुछ रटना नहीं है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन अगर इंक्लूडेड है तो हमें किस तरह की डिवाइस चाहिए होगी दोस्त, राउटर्स चाहिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स एक्सटेंड अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क, इनमें से ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो एक्सटेंड कर देता है एक प्राइवेट नेटवर्क को, एक प्राइवेट नेटवर्क को वो एक्सटेंड कर देता है, पूरे जो पब्लिक नेटवर्क जो फैला होता है उसमें वो प्राइवेट नेटवर्क को एक्सपेंड कर देता है। बताइए,
मैंने ये चीज़ तो पढ़ाई हुई है, वीपीएन। वीपीएन यही काम करता है कि जो भी आपका नेटवर्क होते हैं उनको प्राइवेट करने का काम करता है। फिर आपसे कहा जा रहा है हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक, टीसीपी या आईपी मॉडल। ओएसआई मॉडल में कितनी थी? 7 थी। और फिर उसके बाद आपने पढ़ा था कि सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर आपकी टीसीपी मॉडल में नहीं होती, तो फिर इसमें कितनी रह जा रही होंगी? 5 रह जा रही होंगी, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपसे क्या कहा जा रहा है, द फंक्शनैलिटीज ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर इंक्लूड। ये वाला चैप्टर आपने नहीं किया है इसलिए आपको ये एमसीक्यू से नहीं लग सकते हैं, लेकिन हम इस सेशन को कराएंगे लेकिन लाइव आने के बाद, क्योंकि इसमें बहुत से डाउट होते हैं बच्चों के जो वो नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो हम ये जब लाइव आने लगेंगे तब हम आपको ये चीज़ें कराएंगे। ठीक है, तो बताइए फंक्शनैलिटीज ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर इंक्लूड, ये मैं चलिए आपको बता देता हूँ, आपको नहीं पता होगा तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा जितने भी आपके सामने यहाँ मेंशन किए जा रहे हैं वो सारे। एक प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है या जो उनके फंक्शंस हैं वो क्या क्या होते हैं, वो डेटा को कंप्रेस कर सकते हैं, डेटा को इनक्रिप्शन में ले सकते हैं, डेटा को डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा काम जो होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। अगर आपको बैकग्राउंड से कोई नॉइज़ आ रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, शाम का टाइम है यहाँ पर, ऐसा होता है, पास में मंदिर है इसलिए। तो चलिए 21, ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल। ये दोबारा से कई बार ये रिपीट हुआ है, अब आपको ये कभी भूलने में मैं नहीं आना चाहिए। अगला आप देखिए, बताइए डेलिमिटिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा एक्सचेंज इज प्रोवाइडेड बाई। फिर से वही चीज़ है कि जब तक हम आपको करा नहीं देंगे तब तक आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगेगा। इसका जो आंसर है आपका वो सेशन लेयर होता है। अभी मैं ये वाला जो टॉपिक आया है तो वहाँ पे मैं जो आपकी चीज़ें रटने वाली हैं तो वहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ अभी, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो जब तक आप बेसिक से चीज़ों को नहीं समझोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, टीसीपी आईपी मॉडल हो जाए या ओएसआई मॉडल हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी एसोसिएटेड विद ओएसआई मॉडल। इनमें से ओएसआई मॉडल के साथ कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है, 23 में आपको बताना है। ठीक है, ओएसआई मॉडल के साथ कौन सा सही है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा सी, फंक्शनैलिटी एट वन लेयर नो वे रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनोदर लेयर। यानी कि ओएसआई मॉडल के अंदर हर लेयर की अपनी खुद की फंक्शनैलिटी होती है, अपने खुद के कार्य होते हैं, उन्हें अपने के अलावा जो भी लेयर्स हैं उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है। ये ओएसआई मॉडल के लिए एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि आपके सामने कोई और भी स्लाइड बची है? नहीं, यहीं तक हमारे थे आज। हमने कितने किए, 22 या 23 के, मेरे हिसाब से शायद 22 क्वेश्चंस हमने आज किए हैं। तो इसमें आज बहुत से क्वेश्चंस आए हैं टीसीपी आईपी मॉडल के और ओएसआई मॉडल के, तो मैं आपको इस बात के लिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जैसे ही हम लाइव आना शुरू करेंगे 1000 सब्सक्राइबर के बाद हम आपको ये चैप्टर करा देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और लेकिन आज इसके क्वेश्चंस ज़्यादा आ गए हैं तो वरी नहीं होना है, क्वेश्चंस हम आपको करा देंगे, सारे क्वेश्चंस करा देंगे। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट सेशन है जहाँ पे मुझे थ्योरी की क्लास लेनी ही पड़ेगी वहाँ मैं थ्योरी की क्लास लूँगा, और बाकी आपका रिस्पांस कैसा भी रहे कंप्यूटर की क्लास में, लेकिन मुझे अपना जो कोर्स है वो मैं कंप्लीट करा के रहूँगा। हिंदी पे आप अच्छा रिस्पांस दे रहे हो तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप कंप्यूटर में भी अच्छा रिस्पांस दें तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम आपके साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। अंत तक जुड़ने का मतलब है हम आपके साथ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जुड़े रहेंगे, इंटरव्यू से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बस आपके साथ आपको ज्वाइनिंग कराने नहीं ले जा पाएंगे, अदरवाइज़ तो हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए, हिंदी के लिए ही कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्यूटर भी आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आराम से, जो भी हम डेली का सेशन डालेंगे आज से वो आप बस देखते रहिए, आपके कंप्यूटर में बहुत सी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी, आप बिल्कुल भी उस चीज़ की कोई टेंशन मत लीजिए। तो मिलेंगे आप अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।